हेलो एंड वेलकम टू पॉलिसी मैटर्स, आई एम शिल्पी डुडेजा। वास्तु रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तु सिर्फ एक साइंस है? यानी कि अगर आप ठीक तरीके से चीजों को आसपास करें तो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आ सकती है। कमर्शियल सेक्टर में भी वास्तु का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन क्या कमर्शियल सेक्टर में वास्तु किस तरीके से हो सकता है, कैसे करना चाहिए, लाइटिंग कैसी हो और साथ में आर्किटेक्ट कैसा होगा, इसके लिए मेरे साथ आज मौजूद है रिद्धि बहल हैं, काफी फेमस वास्तु कंसल्टेंट हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आज फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल सेक्टर पर। इनसे जानेंगे कि कैसे जो है कमर्शियल स्पेस का, फॉर एग्जांपल आपकी कोई शॉप है, आप पार्लर चलाती हैं या फिर आप कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग की मालकिन है या मालिक है, तो कैसा होना चाहिए वहां का वास्तु, चलिए जानते हैं। रिद्धि, वेलकम टू पॉलिसी मैटर्स। थैंक यू सो मच शिल्पी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वास्तु कहते हैं हम लोग, साइंस है, क्या है वास्तु? देखिए, वास्तु आपने बिल्कुल सही कहा, इट इज़ अ साइंस। वास्तु को कहा जाता है साइंस ऑफ स्ट्रक्चर। इनफैक्ट जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है वो भी वास्तु से ही निकला है। सो वास्तु इज एब्सोल्युटली अ साइंस। देखिए, वास्तु किस चीज़ से डील करता है? जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, जो पंच तत्व जिसको हम कहते हैं, जो भी कुछ इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में जो भी कुछ बना हुआ है वो सब पंच तत्वों से बना हुआ है, चाहे वो हम भी ह्यूमंस हैं या वो कोई बिल्डिंग्स हैं। सो वास्तु जो है, बेसिकली जब हम कहते हैं वास्तु दोष है, तो क्या होता है वास्तु दोष? वास्तु दोष जो होता है वो इम्बैलेंस है उन 5 एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट का। और जब हम कहते हैं वास्तु रेक्टिफिकेशन, तो हम क्या करते हैं? हम जो है वो जो भी इम्बैलेंस है जिस एलिमेंट का, उसको बैलेंस करते हैं, तो वास्तु का निवारण हो जाता है या वास्तु की रेमेडी हो जाती है। आज कमर्शियल सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। कमर्शियल सेक्टर में मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोई बिल्डिंग है, सबसे पहले इनिशियल से शुरुआत करते हैं, लैंड है कोई, प्लॉट है कोई और कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो किस तरह का वास्तु होना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आप काफ़ी हद तक वास्तु कंपैटिबल आपका स्ट्रक्चर बनेगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है शिल्पी शेप्स। जो शेप है प्लॉट की वो रेगुलर शेप होनी चाहिए, या तो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर है सो देर आर वेज जिससे जो है शेप को रेगुलर किया जा सकता है। तो पहले तो इस बात का ध्यान कि जो शेप है वो सही होनी चाहिए। उसके आसपास का एटमॉस्फेयर भी बहुत मैटर करता है कि जो स्ट्रक्चर है आपका, कि जी उसके पास में शमशान नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऊंची जगह, पहाड़ी नहीं होनी चाहिए, उसका भी डायरेक्शन होता है। मान लीजिए कोई पहाड़ी है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो तो बेटर है। कोई वाटर बॉडी उसके पास में है तो उसका भी डायरेक्शन होता है, वो नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में हो तो बेटर रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जब कोई भी वास्तु कंसल्टेंट होगा या जिनको वास्तु की जानकारी होगी, अगर वो प्लॉट देखेंगे तो वो ये सारी चीज़ों को असेस और एनालाइज करेंगे। आपने कहा शेप्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप प्लॉट ले रहे हैं कमर्शियल सेक्टर में और आप कुछ वहां पर बिल्ड करना चाहते हैं, तो किस तरह की शेप्स कहीं? आपने स्क्वायर लेनी है, रेक्टेंगल लेनी है? कई प्लॉट्स हमने ऐसे भी देखे हैं वो लॉन्ग एल शेप में भी होते हैं, ओवल शेप में भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, कौन सी शेप्स आप रिकमेंड करते हैं? देखिए, जैसे मैं कह रही हूँ, सबसे बेस्ट जो रेगुलर शेप होती है उसमें आपका स्क्वायर प्लॉट और आपका रेक्टेंगल प्लॉट, वो जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। कॉर्नर का भी चलता है? हाँ, कॉर्नर का बिल्कुल चलता है, कॉर्नर के प्लॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इट इज़ गुड। इट इज़ गुड, यस। जैसे मान लीजिए अब किसी का एल शेप्ड है, तो जो एल का एक हिस्सा है उसको हम डिफरेंट डिपार्टमेंट या उसको हम डिफरेंट सेक्शन कर सकते हैं, और जो दूसरा हिस्सा है, जो स्ट्रेट हिस्सा है, उसमें हम डिफरेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो हम वर्चुअली उसको जो है एक रेगुलर शेप में ला सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का शेप का ऑफिस है, आपको उसको रेगुलर करना है, उसके लिए आपको अगर उसको स्पेस भी यूटिलाइज हो जाए, वहां पर आप कुछ और बना दीजिए, आप उसको यूटिलाइज उस तरीके से कर लीजिए कि जो वॉक कर रहा है बंदा उसको रेगुलर जगह मिले। रेगुलर शेप काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत से लोग ना इस बात से डरते हैं जब वास्तु की बात आती है, कि नहीं आप जो है जगह वेस्ट कर देंगे, या हमारा कॉर्नर इरेगुलर नहीं है तो अगर आप उसमें वास्तु करेंगे तो जगह वेस्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ईच एंड एवरी कॉर्नर और ईच एंड एवरी इंच ऑफ द प्लॉट कैन बी यूटिलाइज। सही डायरेक्शन के हिसाब से उसका सही यूटिलाइजेशन होता है। ओवरऑल कमर्शियल सेक्टर की बात कर रही हूँ, मॉल्स हैं, तो किस तरीके से अगर मैं ऑनर हूँ तो मुझे क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? जैसे मॉल के अंदर शॉप्स आप बना रहे हैं या ऑफिस स्पेस के लिए ले रहे हैं, तो क्या क्या चीजें, किस किस चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है? ओपन एरिया अगर आप रख रहे हैं, वाटर बॉडी, कई मॉल्स में आपने देखा होगा फाउंटेन्स होते हैं या वाटर बॉडी होती है,
जैसे नॉर्थ ईस्ट इज द राइट डायरेक्शन फॉर हैविंग अ वाटर बॉडी, तो आप देखेंगे उस मॉल के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट है वहीं पे वाटर बॉडी रखिए. अगर आप प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं या ग्रीन एरिया कर रहे हैं तो ग्रीन एरिया आपका किस तरफ होना चाहिए, आपके इलेक्ट्रिक के जो मीटर्स होते हैं ये किस तरफ होना चाहिए, आपके टॉयलेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसका कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो अवॉइड करें. सो यू नो प्लेसमेंट ऑफ टॉयलेट कमर्शियल में भी रेजिडेंशियल में भी होता है शिल्पी, डायरेक्शन तो वही है, तो ये दोनों में अप्लाई करता है. आप डायरेक्शंस की बात कर रही हैं, डायरेक्शंस के बारे में बताइए कि किस डायरेक्शन में एक छोटा कमर्शियल शॉप होना चाहिए, या फिर एक पार्लर की बात करूं मैं या एक बिल्डिंग की बात करूं, तो मेरे को सबसे पहले डायरेक्शंस का समझाइए. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए अक्सर लोग आके मुझसे ये कहते हैं, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल की, जी नॉर्थ फेसिंग होगा तो बेटर है और साउथ फेसिंग होगा तो खराब है. देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. मैं अक्सर कहती हूँ और आज आपसे भी बात कह रही हूँ टू ऑल द व्यूअर्स कि जब हम कमर्शियल स्पेसिफिक की बात करते हैं तो जो आपकी एक्टिविटी है, जो आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से वास्तु देखा जाता है. जैसे आपने कहा पार्लर है, तो पार्लर के लिए जो है साउथ ईस्ट विल बी अ गुड डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वीनस का प्लैनेट होता है, वीनस जो ब्यूटी रिलेटेड है. पार्लर में क्या करते हैं आप, सुंदरता की बात होती है, हम सुंदर बनने के लिए जाते हैं, क्या ब्यूटी रिलेटेड चीज़ें होती है, तो वहाँ साउथ ईस्ट विल बी बेटर. कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो नॉर्थ ईस्ट विल बी बेटर, क्योंकि हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं. मान लीजिए आपका क्या कहते हैं कोई फैक्ट्री आउटलेट है जिसमें आप मेटल का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए साउथ वेस्ट विल बी बेटर. सो डिपेंडिंग कि आपका क्या एक्टिविटी है, आप क्या काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से डायरेक्शन असाइन होता है. ये कह देना कि एक डायरेक्शन नॉर्थ है जो हमेशा अच्छा ही होगा, सभी के लिए अच्छा होगा, या साउथ है जो हमेशा खराब होगा या सभी के लिए खराब होगा, ऐसा नहीं होता है. एंट्रेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे हम रेजिडेंशियल सेक्टर की बात करें, घरों की बात करें, या फिर हम लोग जो है आपके जो है कमर्शियल की बात करें, या हम किसी भी जगह जाएं, किसी होटल में भी अगर एंटर कर रहे हैं या किसी मॉल में भी एंटर कर रहे हैं, अगर एंट्रेंस बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, तो काफी अच्छा लगता है अंदर जाने में. बिल्कुल बिल्कुल. तो क्या करें पॉजिटिविटी के लिए, मुझे बताइए कि कमर्शियल सेक्टर में क्या करें. एंट्रेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शिल्पी. एंट्रेंस स्पीक्स अबाउट योर सेल्फ, यू नो जैसे हमारे कहते हैं ना चेहरा अच्छा होता है, यू नो इट गिव्स टेल्स अबाउट द पर्सन. सो वैसे ही जो है एंट्रेंस होती है, चाहे वो बिल्डिंग की हो, चाहे वो आपके ऑफिस की हो, किसी की भी हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एंट्रेंस में मैं कहूँगी रिसेप्शन एरिया स्पेशली, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी गेस्ट या कोई भी क्लाइंट कोई भी आपके ऑफिस में आते, सबसे पहली जगह जो होती है वो रिसेप्शन होती है. आप वेट करने के लिए भी कहते हैं तो वो रिसेप्शन में वेट करते हैं. सो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपकी कंपनी का लोगो. रिसेप्शन पे अक्सर जो है लोगो लगा होता है, आप अपना लोगो लगाएं, बड़ा बड़ा लगाएं, इट शुड बी क्लियर, राइट? डोंट यूज टू मेनी कलर्स इनटू इट, नहीं तो इट बिकम्स कंफ्यूजिंग फॉर द पर्सन टू रिमेंबर. आप जो भी आपके लोगो की कलर स्कीम है वो लगाएं, बड़ा और क्लियर विजिबल लोगो होना चाहिए, वेल लिट होना चाहिए, लाइट अच्छी होनी चाहिए जिससे कि लोगो की विजिबिलिटी हो. रिसेप्शन एरिया शुड नॉट बी क्लटर्ड, रिसेप्शन एरिया शुड बी क्लीन, राइट? बहुत ज्यादा शार्प लाइट्स रिसेप्शन पे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो है वो एक अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग देगा. So reception has to be very well lit, it should be bright, it should be neat and clean and nice and pleasing. रिधि कैसे कलर्स रखें, अगर आप बात कर रही हैं इंटीरियर के ऑफिस ओनर का रूम की अगर हम बात करें तो कैसे कलर रखें? देखिए ऑफिस ओनर, पहले मैं डायरेक्शन बताऊंगी शिल्पी, इस केस में जो ऑफिस ओनर का जो रूम है उसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट होता है. द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द हेड ऑफ एनी कंपनी शुड ऑलवेज सिट इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, राइट? जो कलर्स हैं, अगेन मैं कहूँगी कलर्स एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं, पर फिर भी नेवर यूज शार्प कलर्स, बहुत ज़्यादा शार्प या बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं यूज़ करें, राइट? लाइट कलर्स यूज़ करें. अगर हम बात कर रहे हैं ऑफिस की बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं, तो हमारा कैसा डेस्क हो, हम लोग कैसे वहाँ पर अपने एरिया में पॉजिटिविटी करें? देखिए वास्तु की जब हम बात कर रहे थे कि वास्तु इज अ साइंस ऑफ स्ट्रक्चर, इट जस्ट डज नॉट अप्लाई टू स्ट्रक्चर्स ओनली. आप जो है केबिन से लेके, छोटे से केबिन से लेके अपनी डेस्क तक का वास्तु सही कर सकते हैं, राइट? तो बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मैंने कहा हम घर से ज़्यादा टाइम हम अपने ऑफिस में बिताते हैं, तो ऑफिस का वास्तु सही होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारी डेस्क का. अगेन क्लटर नहीं होना चाहिए. सपोज़ अगर आप राइट हैंड है, आप राइट हैंड से लिखते हैं तो राइट हैंड का जो कॉर्नर है आपका वो खाली रहना चाहिए. अगर आप लेफ्ट हैंड रहे तो आपका लेफ्ट हैंड का कॉर्नर खाली रहना चाहिए. अब मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगी कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो चल रहे हैं जिनमें हम चेंजेस जो है नहीं कर सकते हैं, ज़्यादातर हम नई दीवार से इधर उधर नहीं कर सकते हैं, तो
उन लोगों को क्या आप सलाह देना चाहेंगी, वो क्या करें? एग्जिस्टिंग उनका बिजनेस है, कमर्शियल बिजनेस की बात कर रही हूँ, वो चाहे कपड़ों का हो, वो चाहे जो है फूड हो, रेस्टोरेंट हो, या फिर किसी भी ग्रॉसरी स्टोर की बात करें, किस तरह की रेमेडीज आप बताएंगी कि वो एग्जिस्टिंग चीज़ों में क्या कर लें ऐसे चेंजेस सो दैट पॉजिटिविटी आए, बिजनेस में ग्रोथ हो? देखिए, जैसे मैंने अभी हमने टॉपिक लिया था अबाउट एंट्रेंसेज, राइट? तो चाहे शॉप है आपकी, चाहे शॉप मार्केट में है या किसी मॉल में, तो एंट्रेंस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे आपने ग्रॉसरी की शॉप का कहा, स्पेशली ग्रॉसरी की शॉप आप देखें, उसके बाहर बड़ा क्लटर होता है, वो बहुत सारा डिस्प्ले जस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर कर तो देते हैं, बट देन आप करें डिस्प्ले भी करें, बट देन दैट हैज़ टू बी सिस्टमैटिक, प्रॉपर होना चाहिए जिससे कि कस्टमर क्लाइंट अट्रैक्ट हो. तो कोई भी ऑफिस हो, कोई भी आपकी स्पेस है, तो उसका एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंट्रेंस इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपका जो बोर्ड लगा हुआ है कंपनी का या शॉप का या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्लियर होना चाहिए, बड़ा बड़ा होना चाहिए, उसकी विजिबिलिटी दूर तक होनी चाहिए, वेल लिट होना चाहिए, उस पर लाइट लग लेनी चाहिए जिससे कि लोगों को दूर से दिखे, तभी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आपके शॉप में आएंगे. तो अगर आप भी कमर्शियल सेक्टर में काम करते हैं, यानी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, या फिर आप कमर्शियल ऑलरेडी कमर्शियल में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर पॉजिटिविटी चाहते हैं तो आपको वास्तु के हिसाब से ये चीजें करने से काफी फायदा पहुंचेगा. इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें. मुझे ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें. मैंने अपना हैंडल नीचे दिया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग पॉलिसी मैटर्स. प्लीज सब्सक्राइब टू मैजिक ब्रिक्स ऑन YouTube एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियोज़.